लॉकडाउन में जहां लोगों को खाने पीने की वस्तुएं बहुत मुश्किल से मिल पा रही हैं, उस ज़माने में अगर फीस अगर कोई स्कूल दबाव डाले जमा करने के लिए, तो वो अभिभावकों के लिए कितनी परेशानी का सबब है। इसी परेशानियों को देखते हुए अभिभावक संघ लखनऊ ने एक अपनी मुहिम चलाई है ऐसे स्कूलों के विरुद्ध जो शिक्षा माफिया के रूप में सिर्फ फीस वसूली के लिए अभिभावकों के ऊपर दबाव बना रहे हैं। उनकी मुहिम का असर जो है रंग लाया है और एक विद्यालय है जिसने फीस जो है अपने छात्रों की माफ़ की है। हम आइए जानते हैं कि उनकी क्या मंशा है और क्यों उन्होंने जो है इस तरीके किया है। जी, मेरा नाम दिलीप यादव है और मैं सलेमपुर पतौरा का निवासी हूँ और मेरे स्कूल का नाम BLY पब्लिक स्कूल है, जो कि यहाँ पर हमारा स्कूल एक छोटा सा है और एक ग्रामीण क्षेत्र में है। इसलिए हमने ये सोचा कि हमारा स्कूल जो अभी 4 साल मैक्सिमम खोला है हमने, और इसमें हमने ये सोचा कि अगर हम 2 महीने की जो कोरोना आपदाएँ जो है इस महामारी के मंच पर हमने 2 महीने का जो इसलिए फीस माफ़ की है ताकि गार्जियन को सहूलियत मिले और जो हमारे गरीब बच्चे हैं वो अपना पढ़ाई के उनकी पढ़ाई जो है वो व्यर्थ ना हो और वो आगे चल के पढ़ाई में अपना रुचि दिखा सके। इसलिए 2 महीने की हमने फीस को छोड़ा है मई जून। अभिभावक संघ की मुहिम का कितना असर पड़ा आप लोगों के ऊपर? बहुत ही अच्छा मुहिम है और इससे अच्छा ये है कि हम ये चाहते हैं कि आगे चल के हमारा जो छोटा सा स्कूल है और भी स्कूल वाले कुछ भी अपना जो भी अभिभावक को प्रेरित करने के लिए छोड़ सकते हैं अपनी फीस है कोई भी चीज़ है ताकि अभिभावक को थोड़ी सी राहत मिल सके। जो बड़े जो विद्यालय हैं लखनऊ के और राजधानी के अलावा और दूसरे जिलों के, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको संदेश यही है कि अपना जो भी हो उनके बस में वो अभिभावक के लिए छोड़ सके, फीस वगैरह है कुछ भी अगर राहत देना चाहे तो वो अभिभावक को दे सकते हैं, बस इतना ही चाहते हैं, बाकी तो उनके मन में जो हो। आज अभिभावक संघ ने इन लोगों को इसी बात को लेकर सम्मानित किया था। हमारे साथ अभिभावक संघ के जो पदाधिकारी मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि उनकी मुहिम कितनी रंग ला रही है और इसका असर और आने वाले दिनों में कितना देखने को मिल सकता है। जी, हम लोग इस लॉकडाउन पीरियड में जो आपदा आई है उसको देखते हुए जो आज शहर के, प्रदेश के, देश के बड़े बड़े स्कूल जो हैं, जो शिक्षा के नाम पे जो ई क्लासेस चला करके और फीस उगाही का एक बड़ा षड्यंत्र कर रहे थे, तो ऐसी अवस्था में अभिभावकों को निजात दिलाने के लिए हम लोगों ने मुहिम चलाई और उस मुहिम का आज एक खूबसूरत पहलू दिखा। आज एक BLY पब्लिक स्कूल के प्रबंधक महोदय ने हमारी मुहिम से प्रेरित होकर अभिभावकों की 2 महीने की फीस माफ़ की है, हम उनका बहुत अभिनंदन वंदन करते हैं और ये एक प्रेरणा है, एक खुशी है और अभिभावकों के लिए भी, बच्चों के लिए भी और उन बड़े स्कूलों के लिए भी। उन्होंने एक उदाहरण पेश किया है कि उनका स्कूल बहुत बड़ा स्कूल नहीं है, एक छोटा स्कूल है, उनके ऊपर मेरे ख्याल से ज़्यादा दबाव होगा शिक्षकों के अपनी फीस देने का, लेकिन उन्होंने अब उससे बाहर आ करके उनके लिए एक उदाहरण पेश किया है और हम चाहेंगे कि और बड़े स्कूल जो हैं वो आज के दौर की इस आपदा की पीड़ा को समझते हुए गार्जियन को फीस के लिए दबाव न डाल के जो भी उनसे हो सकता है कम से कम 3 माह की फीस वो माफ़ करें, ऐसी हम आशा करते हैं। तो ये था अभिभावक संघ, इनका कहना था कि हम इस मुहिम को आगे भी जारी रखेंगे और ज़्यादातर स्कूलों को इस बात के लिए प्रेरित करना चाहेंगे कि वो अभिभावकों के दर्द को समझे और इस कोरोना के संकट काल में जहाँ पे वेतन के भी संकट हैं और जो व्यापार भी बंद है, तो ऐसे में अभिभावकों को कुछ राहत दे, इसके लिए अभिभावक संघ हमेशा काम करता रहेगा।